तो दोस्तों मेरा जो तरीका होगा सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये पैटर्न कट कर लिया कि कंपनी कोई और मॉड कर दे, कोई और मॉडिफिकेशन कर दे, कुछ और चेंज कर दे बॉडी पार्ट्स में। तो मैं सोच इसका एक कह सकते हैं पैटर्न है। उन लोगों के लिए जो अपनी बाइक पल्सर से या किसी भी बाइक से जो जिनके पास जो अपनी इनकी बाइक है जिनको बहुत ज्यादा प्यार है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल ये वीडियो है, क्योंकि आप अपने हाथ से ही कुछ भी बना करके अपनी बाइक पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एक नया लुक दे सकते हैं, जिसको मैंने पूरी तरीके से ट्राई किया है और ट्राई करने पर सक्सेस भी हुआ। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों मेरी जो वीडियो होगी वो कुछ इस तरह के फ्लैप कवर की होने वाली है। ओके, ये मैं हैंडमेड बनाने वाला हूँ। ये उसका एक कह सकते हैं पैटर्न है, मैंने ये गत्ते का बनाया हुआ है अभी। ओके, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा और ये बिल्कुल जाके टैंक में लगेगा। आप इसे फ्रंट से देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे आपने ड्यूक में देखा होगा। इससे पहले कि कंपनी कोई और मॉड कर दे, कोई और मॉडिफिकेशन कर दे, कुछ और चेंज कर दे बॉडी पार्ट्स में, तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले ही मैं कुछ नया करके दिखाऊं आप लोगों को। ओके, तो ये अभी मैंने पैटर्न बनाया है, अब मैं इसका इस तरीके से ही डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये फ्लैप कवर प्लास्टिक सीट्स का। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को देख करके आप भी अपनी बाइक में इस तरह का फ्लैप बना सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ चीज़ें कुछ मैं ना भी दिखा पाऊँ, क्योंकि सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो प्लास्टिक सीट्स जिनका मैं वो फ्लैप कवर बनाने वाला हूँ। ओके, एक ये देख रहे हैं आप, ये वाला, और एक ये है। तो एक्चुअली मेरा इसी सीट में सब कुछ पूरा हो जाएगा, सारी चीज़ें इसी में बन जाएंगी, लेकिन कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके, हालांकि चीज़ ये अच्छी है, लेकिन ये मेरे पास उतना ज़्यादा है नहीं, देख ही रहे हो आप, ये गंदा संदा है, कुछ पुराना सा है, ये मिल गया था मेरे को। और ये मेरे पास पूरी सीट है, तो मुझे इसी से ही बनाना है और बड़ी सावधानी से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है वो अपना पैटर्न। ठीक है, पहले मैं इसकी सारी टेपिंग छुड़ा लूँगा या फिर इसको कट कर लूँगा, उसके बाद इसकी ड्रॉइंग इस पर करूँगा, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगेगी या ये मेरा फ्लैप कवर कैसा लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे बहुत अच्छे से बनाऊं और बहुत तरीके से बनाऊं। ओके, ठीक है, तो अपने को दोस्तों ये चार टुकड़े बनाने हैं, दो इसके दो और इसके दो, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, है ना, एक इसका ऑपोजिट रहेगा, वहीं इसका एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। चलिए पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से करना है हमें, यहाँ पे ये थोड़ी सी नोक लेनी है, इसलिए एक जो ये देख रहे हैं आप ये थोड़ा कट किया हुआ है मैंने, तो कट तो करना है लेकिन थोड़ा सा नोक लेकर के और तिरछा कट करना है हमें। ठीक है, अब हम इसका ऑपोजिट ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों वहीं इसका ऑपोजिट हम इस तरफ से निकाल लेंगे। ओके, ये देखिए हमारा ये दो पैटर्न तो बन गए, अब हमें इसके दो बनाने हैं। नहीं निकलेंगे तो हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेंगे। ओके, लेकिन एक चीज और मेरे को, मैंने ये थोड़ा सा कट कर दिया है, इससे हम एक इंची फालतू लेके चलेंगे। तो मैंने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है अपनी इस शीट पे। ओके, अब मैं इसकी कटिंग करने वाला हूँ इसकी हेल्प से। तो दोस्तों
देख सकते हैं दोस्तों, एक ने कट कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी ये सारे भी कट कर लेंगे। ओके, चलिए मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ सारे। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये पैटर्न कट कर लिए हैं, देख सकते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक्चुअली आपको ये सिंगल सिंगल दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये है डबल है, ये देख सकते हैं आप बीच में से, है ना। मैंने इसको डबल टेप की हेल्प से चिपका लिया, उसके बाद इसको इक्वल करके बिल्कुल फेयरिंग को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं यही वो पैटर्न है। ओके, मैंने इसको इसको थोड़ा सा इनसे इस वाले से ऊपर वाले से बड़ा रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, लगभग हाफ इंच ही मैंने इसको इधर से बड़ा रखा हुआ है। ओके, और वहीं इसको भी मैंने नीचे से थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, ताकि अगर हमें कोई पॉइंट बनाना पड़े इसको रोकने के लिए, इसको स्टे करने के लिए कोई पॉइंट बनाना पड़े, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको ओवर रखा हुआ। ओके, अब एक चीज़ और दोस्तों, मैंने इस पैटर्न में थोड़ा सा ये चेंज किया हुआ है। ये देख सकते हैं, इसमें ये इस तरह से कट बनाया और इस पर मैंने ये निशान भी लगा लिया है। मैं इसको भी अभी काटूंगा। एक्चुअली दोस्तों, इसको मैंने अपनी इस ड्रिल मशीन की हेल्प से, इसकी हेल्प से नहीं काटा, क्योंकि इससे काटने पर जो इसकी एजेस निकल रही थी, जो इसकी किनारियाँ निकल रही थी, वो कुछ इस तरह की निकल रही थी। ओके, ये देखिए रफली टाइप में। तो इसको बिल्कुल सही से काटने के लिए मैंने जिसका यूज़ किया था वो है, देखिए ये टूटा हुआ आरी ब्लेड है। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मैं कर ही लेता हूँ। अभी मैं इसको और शेप इस तरह से कट करके यूँ दूंगा, ताकि जो जब ये हमारी फ्यूल टैंक पे आएगा तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने ये कुछ नोक टाइप से अंदर निकाला हुआ है। तो शुरू में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये किस तरीके से बनाऊँ, कैसे करूँ, इसको मोल्ड कर दूँ, फोल्ड कर दूँ या बैंड कर दूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि अपना जो फ्यूल टैंक का जो फ्लैट हो रहा है, ये देखिए, है ना, ये कुछ इसी तरह से आ करके फिर अंदर इस तरह से है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें बना दूँ, तो कुछ तो मैच हो ही जाएगा कंपनी से। ओके, तो यही सोच करके मैंने ये निशान लगाया, पैटर्न को जाके नापा और निशान लगाया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा, कटिंग मैं आपको करके दिखा दूंगा। एक्चुअली ये वो प्लास्टिक शीट नहीं है जो मैं चाहता था। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ डबल टेप लगाई हुई है। ओके, और ये मैंने अभी इतना कट भी कर दिया है। अब इस तरफ से कर लूँगा, तो इसके लिए मेरे को दोबारा से इस तरीके से इसको चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए उखाड़ के लगा लेते हैं इसको, चिपकाना। ये चिपक गया दोस्तों। अब मैं इससे इस तरह से काट लूँगा। ये कट गए हैं दो पीसेस है, और देख सकते हैं आप इसकी एज बिल्कुल स्मूथ आई है ना, इस तरीके से। बाकी हम इसकी घिसाई वगैरह करेंगे तो ये लेवल में आ जाएगा बिल्कुल सेट, और देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए, अब तो फिलहाल सारे काम लगभग हो गए। अब हमें करना है इसको बैंड करना है, मोल्ड करना है और पेस्ट करना है। तो पेस्ट के लिए तो मैं पेस्ट इस फेविक्विक का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम।